आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे नगीने की जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, एक ऐसे जीनियस की जिसने अपने खेल से सब कुछ बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों विश्वनाथन आनंद, भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको छोड़ के सारे अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिल चुके हैं दोस्तों। ये एक जीनियस रहे हैं, इनको वैसे तो टाइगर ऑफ मद्रास, मद्रास का शेर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भैया ये भारत के शेर हैं और बहुत ही कम उम्र में विश्व चैंपियन बन गए थे। बताना चाहता हूं कि जब भी हम ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक नाम हमारे जहन में हमेशा आता है कि भारत का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा था, कौन था? सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना है, ठीक वैसे ही विश्वनाथन आनंद का नाम हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और सबने सुना है क्योंकि ये जबरदस्त चेस खेलते हैं। चेस में इन्होंने ढेर सारी चैंपियनशिप और 5 साल तक लगातार अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे जब तक मैग्नस कार्लसन नहीं आ गए। तो आज हम विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे दोस्तों, इनकी अनसुनी कहानियों पे नजर डालेंगे। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट है, जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, ₹159 बस आपको इन्वेस्ट करने हैं। वहां पे आपको गौरव सर के सारे वीडियोस, प्रशांत सर और महिपाल सर के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुशखबरी, 18 तारीख से हमारी दिवाली सेल शुरू हो रही है, 12 दिन तक रहेगी दोस्तों, बहुत ही जल्द इसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। जो लोग भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़े डिस्काउंट आने वाले हैं, तो जितना हो सके डिस्काउंट अवेल करके एग्जाम्स निकालिए। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। कहां पे? तमिलनाडु मयिलादुथुरई, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम कृष्ण मूर्ति विश्वनाथन। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, साउथ में क्या है कि जो सरनेम है वो पहले लगाया जाता है और नाम बाद में, ठीक है ना? तो विश्वनाथन जो है ये सरनेम है, इनका असली नाम है आनंद, ठीक है ना? तो इनकी जो फैमिली का सरनेम है वो विश्वनाथन है, साउथ में सरनेम पहले लगाया जाता है। तो इनके पिताजी का नाम है कृष्ण मूर्ति विश्वनाथन, ठीक है, जो कि रेलवेज में काम करते थे, और इनकी माताजी सुशीला। इनकी माताजी की बात करूं दोस्तों, विश्वनाथन आनंद ये बताते हैं कि मैंने चेस अपनी माँ से सीखा। इनकी माँ भी बहुत बड़ी जीनियस थी, जो इनकी मदर थी उन्होंने विश्वनाथन आनंद को चेस सिखाया, इनिशियल लेसन्स दिए। एक बार क्या हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि ये लोग शिमला गए थे और उस समय विश्वनाथन आनंद 12-13 साल के थे। तो यहाँ पे इनकी मदर ने बोला कि चलो एक चेस का गेम हो जाए तुम्हारे साथ, तो विश्वनाथन आनंद ने चेस खेलना शुरू किया। अब उस समय तक विश्वनाथन आनंद का काफी बड़ा नाम हो चुका था, ठीक है ना, काफी बड़े प्लेयर ऑलरेडी हो चुके थे, चैंपियनशिप भी जीत चुके थे। लेकिन जब अपनी मम्मी से खेलना शुरू किया ना, माँ तो माँ होती है, हार गए विश्वनाथन आनंद। तो आप विश्वास करेंगे, वर्ल्ड चैंपियन, पूरी दुनिया के महान प्लेयर्स को चेस में हराया जिसने, वो अपनी माँ से हार गया, अपनी मदर से हार गया। इसका मतलब ये है कि इनकी मदर जो थी वो डेफिनेटली विश्वनाथन आनंद से ज्यादा टैलेंटेड थी, और ये खुद मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये टैलेंट बिल्कुल वेस्ट हुआ, और ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं जो ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं, घर गृहस्थी के कामों में वेस्ट हो गए। सोचिए अगर सुशीला को उस समय मौका मिला होता तो ये कितनी बड़ी, ये तो विश्वनाथन आनंद से भी बड़ी चैंपियन बन जाती। बट जो है सो है, उन्होंने एक चैंपियन को तो जरूर जन्म दिया। बताते हैं दोस्तों, शुरू में कुछ साल तक ये फॉरेन में थे, ठीक है, इनके पिताजी की मनीला में पोस्टिंग थी, फिलीपींस में थे, रेलवे में वहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे। तो वहां पे बताते हैं कि जब ये मनीला में रहते थे तो दोपहर में एक शो आता था, वो चेस का शो था। तो इनकी मम्मी क्या करती थी, वो जो चेस का शो आता था, क्योंकि मम्मी को बहुत ज्यादा चेस देखने का शौक था, और बचपन से ही, शुरू से ही विश्वनाथन आनंद ने भी अपने जो स्किल्स थे वो दिखा दिए थे। विश्वनाथन आनंद के अलावा इनके 2 भाई बहन और हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और जो आनंद है वो सबसे छोटे हैं, बाकी दोनों, एक भाई और एक बहन है, वो बड़े हैं इनसे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हैं, आनंद जो हैं, वो बचपन से बड़े टैलेंटेड थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, गजब की मेमोरी थी। इनके पिताजी ने ये भांप लिया और पता चल गया ये जीनियस है। तो यहां पे शो आता था वहां पे मनीला में,
और दोपहर में जो इनकी माताजी थी वो शो को नोट करती थी, चेस का शो था, वो बताते थे चेस कैसे खेलना है, एक एक टेक्निक्स, क्या मूव्स होने चाहिए, और लास्ट में जब शो खत्म होता था तो एक पजल दी जाती थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब विश्वनाथन स्कूल से घर आते थे तब इनकी माता जी इनको बैठ के चेस के लेसन देती थी और साथ में दोनों पजल सॉल्व करते थे। तो यहां से शुरुआत होती है। फिर जब पता चला कि जबरदस्त चेस खेलते हैं, जब वापस आए भारत, ये इनकी फैमिली वापस भारत आई, तब इनको पूरी तरीके से चेस में लगा दिया गया, पढ़ाई भी की, पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा उस समय चेस क्लब था, टाल चेस क्लब, वहां पे इनको एडमिशन कराया गया। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि चेन्नई में है वहां पे इन्होंने एजुकेशन ली। डॉन बॉस्को की बात करें दोस्तों तो बहुत, ये मतलब जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में डॉन बॉस्को की तुलना होती है, और बहुत ही एक बड़ा स्कूल है, सेंट जेवियर्स हो गए, डॉन बॉस्को हो गए, ये बहुत बड़े स्कूल हैं। तो डॉन बॉस्को में आनंद जो है उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन अब ऐसा होता था कि पढ़ाई तो ये कर रहे थे लेकिन इनके मैचेस होते थे, तो अब एक स्पोर्ट्स पर्सन को दोनों में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। तो इनके टीचर इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे विश्वनाथन आनंद को, जब विश्वनाथन आनंद टूर के लिए बाहर गए होते थे तो इनके टीचर्स इनके लिए नोट्स बनाते थे ताकि एग्जाम में पास हो सके, ठीक है ना। इन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली है, अंडर ग्रेजुएशन है इनका, लॉयला कॉलेज चेन्नई, कॉमर्स से इन्होंने डिग्री ली है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो सफर है ना वो बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था भैया, सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो इन्होंने 6 साल की उम्र से चेस खेलना शुरू किया था लेकिन जब ये 14 साल के थे तब इनका असली टैलेंट सामने आया। वैसे तो 6 साल की उम्र से ही इतने छोटे थे चेस खेलने लगे और एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, तो ये सब कुछ हुआ। इनकी शादी जो है वो अरुणा आनंद से हुई है, अरुणा विश्वनाथन से हुई है 1996 में। शादी के लिए भी बड़ी इनकी फनी स्टोरी है, वैसे तो ये अरेंज मैरिज थी। जब विश्वनाथन आनंद से पूछा गया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है कि नहीं, तो बड़ा इन्होंने ब्लश किया और बोला कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला स्पोर्ट्स के अलावा कि मैं गर्लफ्रेंड बना सकूं, तो इनकी अरेंज मैरिज थी। तो इनकी बीवी ने इनसे पूछा कि ये मतलब क्या है, तुम क्या करते हो और क्या, तो इन्होंने बताया कि चेस खेलते हो, तो इन्होंने बताया कि मैं चेस खेलता हूँ। तो इनकी मतलब जो वाइफ थी उनका ये था कि हाँ ये एक सिक्योर नहीं है, ठीक है, चेस जो है वो एक सिक्योर गेम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखें तो चेस घर में खेला जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट है, इंडोर स्पोर्ट है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्पोर्ट है जो आप लक से नहीं खेल सकते, आप दिमाग से खेल सकते हैं और जिसमें बाजी जो है ना वो कभी भी पलट सकती है, वो है चेस। बहुत ही माइंड गेम, स्ट्रेटेजिक गेम है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग चेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं जरूर बनाए। अरुणा ने डेफिनेटली जब बाद में देखा होगा कि इतनी सैलरी मिलती है एक चेस चैंपियन को, इतना पैसा मिलता है, तो फिर उनका जो पूरा व्यू है वो बदल गया होगा। हालांकि आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पूछा गया विश्वनाथन आनंद से कि आपको अपनी वाइफ की सबसे बड़ी खासियत, सबसे अच्छी खासियत क्या लगती है, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही जॉली नेचर की है, बहुत ही खुश रहती है, बहुत ही हंसती है, ये बहुत अच्छा, तो काउंटर बैलेंस हो जाता है सब कुछ। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं चेस में और ये सोच रहे हैं चेस में पैसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। चेस उन खेलों में से एक है जिसमें इतना ज्यादा करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, बहुत पैसा है चेस में। तो भैया जो बहुत अच्छा चेस खेलते हैं वो बिल्कुल भी संकोच ना करें, करियर बनाए चेस में, बहुत अमीर हो जाएंगे, फेम भी मिलेगा, भारत का नाम भी रोशन होगा, साथ ही साथ करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे। क्या नौकरी करके हजार हजार रुपए लास्ट तक जाएंगे तब भी करोड़ रुपए नहीं होंगे, खैर जोक सपाट। लेकिन जो चेस में करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर वो इसमें ध्यान दे सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जब 1993 में, सॉरी 1983 में, 1983 में, ये वही साल था जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, ये वही साल था जब क्रिकेट पॉपुलर हो गया। लेकिन यहां पे विश्वनाथन आनंद की ये जो जर्नी है, एपिक जर्नी, ये भी शुरू हो गई। हम ये देखते हैं कि 1983 में इन्होंने नेशनल सब जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती, 9 गेम हुए, 9 के 9 जीत लिए इन्होंने, और सिर्फ ये 14 साल के थे। उसी दौरान दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये क्लब्स में खेलते थे और वहां पे भी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता था तो इनको 10 रुपए दिए जाते थे, मतलब जो विनर होता था उसको 10 रुपए मिलते थे, तो वो 10 रुपए से आइसक्रीम खरीदते थे, ट्रिपल संडे खरीदते थे, ठीक है, विश्वनाथन आनंद की बात करें। और जब भी इस तरीके की चैंपियनशिप होती थी फर्स्ट आते थे ये, पैसे मिलते थे, उससे जाके आइसक्रीम खरीदते थे, तो ये लगता है आइसक्रीम खाने का इनको बहुत ज्यादा शौक था।
तो हम ये देखते हैं कि 1983 में इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप जीती और उसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 1984 में इन्होंने एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जीत ली। अब ये तो इंटरनेशनल मास्टर हो गए, ये तो इंटरनेशनल एक्लेम इनको मिल गया। तो एशिया की जो जूनियर चेस चैंपियनशिप होती है वो इन्होंने जीत ली। वैसे आपको बता दूं कि जो चेस को देखता है वो है फिडे, ठीक है ना, ये इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यही चेस को रेगुलेट करती है। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में जितनी बड़ी चैंपियनशिप होती है वो फिडे देखती है, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं कि 189 नेशंस है इसमें और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का भी ये मेंबर है, बट अनफॉर्चुनेटली चेस को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया है। 2006 और 2010 के एशियन गेम्स में शामिल था लेकिन ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली आनंद एक गोल्ड मेडल, एक क्या बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आते। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कोनेरू हम्पी की बायोग्राफी रिव्यू की थी, वो भी चेस चैंपियन चैंपियन रह चुकी हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर वो भी रह चुकी हैं। ग्रैंड मास्टर सबसे ऊंची पद्धति होती है, ग्रैंड मास्टर जो टाइटल दिया जाता है ये फिडे देता है और ये सबसे बड़ा टाइटल होता है, ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ग्रैंड मास्टर मतलब आपने सारी चैंपियनशिप जीत ली है और ये कोनेरू हम्पी को भी मिला हुआ है, ये चीज आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। तो हम ये देख रहे हैं कि फिडे जो है वो रेगुलेट करता है। अभी 165 कंट्रीज जो है, 165 कंट्रीज चेस खेलती हैं, क्रिकेट उसका आधी कंट्रीज खेलती हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट भारत में बहुत ज्यादा फेमस है। और आनंद को कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि क्रिकेट के प्रति मीडिया बड़ा बायस है। देखिए दोस्तों, एक चीज तो है, जो मीडिया दिखाएगा वही हम देखेंगे, तो मीडिया को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खेलों के भी अगर वो थोड़ा ध्यान दे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज है, हालांकि विश्वनाथन आनंद ने इतनी सारी चैंपियनशिप जीती कि उनका नाम अपने आप ही हो गया और बहुत सारे उनके इंटरव्यू जो हैं वो अवेलेबल हैं। वैसे आपको बता दूं, आनंद बताते हैं चेस में भी स्लेजिंग होती है, जी हाँ, जैसे आपने क्रिकेट में देखा है ना, फुटबॉल में तो बहुत ही ज्यादा होता है, कितनी ज्यादा बदतमीजियां हो जाती हैं भैया, तो चेस में भी ऐसा ही होता है। आपको लगता होगा चेस बड़ा एकदम बैठ के शांति से खेला जाता है, ऐसा नहीं है, लोग जो हैं यहाँ पे भी गड़बड़ झाला करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कौन सा गेम था आनंद का इसमें वाकई में ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मूड खराब हो गया था इनका, हालांकि वैसे बहुत ही काम है, काफी फोकस्ड है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर ध्यान देते ही नहीं है, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही माइल्ड मैनर्ड, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कभी कभी इनका भी दिमाग सटक जाता है भैया। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले तो इन्होंने 1984 में एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती जो कि कोयम्बटूर में हुई, फिर यंगेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर सिर्फ 15 साल की उम्र में 1985 में जीता। अगेन एशियन जूनियर चैंपियनशिप को इन्होंने जीत ली, 1984 में पहली, 1985 में दूसरी बार, लगातार दो बार बन गई है इंटरनेशनल मास्टर और यंगेस्ट है, इंडियन है अभी तक जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है। 16 साल की उम्र में नेशनल चेस चैंपियनशिप, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इनका नाम हो गया। और अब इनको कहां पे अपना डेब्यू करना था, इंटरनेशनल गेम्स में, अब इनको झंडे गाड़ने थे इंटरनेशनली। अभी तक एशिया में ये नंबर वन बन चुके हैं, अब पूरी दुनिया में नंबर वन बनना है। 1987 में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप हुई, जीता इन्होंने। आपको बता दूं दोस्तों कि ये मैं वैसे तो इन्होंने इतने 200 से ज्यादा, 200-300 से ज्यादा टाइटल जीते हैं, वो बहुत इनकी फेहरिस्त लंबी है, मैं सिर्फ वो टाइटल बता रहा हूं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज है, फिर 1988 में 18 साल की उम्र में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए जब इन्होंने इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जीत लिया कोयम्बटूर में। 18 साल के थे ये सिर्फ और सिर्फ जब इनको भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री दिया गया। वैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये पांचों अवार्ड आनंद को मिल चुके हैं, सिर्फ भारत रत्न जो है वो नहीं मिला है, वो मिल जाए तो क्या बात है, वैसे इनको जरूर मिलना चाहिए। 1995 में दोस्तों हम ये देखते हैं कि 1995 में जो असली चेस था, जो पूरी दुनिया में जो भारत का नाम फैलाना था, यहां पे इनकी शुरुआत हो जाती है। बड़े टफ इनके मैचेस हुए लेकिन हर मैच में इन्होंने जीत हासिल की, ज्यादातर मैचेस में। इनके दो प्रतिद्वंदी बड़ी फेमस हैं, एक तो है गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव की बात करें दोस्तों तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इस समय, तो ठीक है, व्लादिमिर पुतिन के सामने खड़े होके, बड़ी वहां पे उनके सामने खड़े होके रैली निकालते हैं और पॉलिटिक्स में वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं।
राइटर भी हैं, लेकिन बहुत बड़े चेस चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, वो ग्रैंड मास्टर वो भी रह चुके हैं और चेस चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। 1985 तक जब एक और रशिया के बहुत बड़े चेस खिलाड़ी एनाटोली कारपोव, जो कि उस समय तक चेस चैंपियन थे, गैरी कैस्परोव ने 1985 में उनको हराया था और उस गद्दी से उनको हटा दिया था। अगले चेस चैंपियन हो गए थे गैरी कैस्परोव 1985 में। गैरी कैस्परोव की बात करें तो भैया, ये जो राइवलरी है विश्वनाथन आनंद और गैरी कैस्परोव की, ये लेजेंडरी है, ठीक है ना। हम ये देखते हैं दोस्तों कि एक मैच में तो ऐसा हुआ था कि कैस्परोव कोई भी मूव चलते, ठीक है, जैसे उन्होंने एक मतलब प्यादा आगे बढ़ाया, वो उठे, बगल में दरवाजा था, जोर से दरवाजे को ऐसे उन्होंने हिलाया, फिर वापस आए, फिर दूसरा मूव चला, फिर उठे, फिर जोर से, वॉयलेंटली जोर से दरवाजे को उन्होंने ऐसे हिलाया। तो ये कई बार हुआ और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया ये एक विश्वनाथन आनंद को। ये एक तरीके की स्लेजिंग थी जो न्यूयॉर्क में मैच हुआ था, ठीक है। अब यहां पे मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि डाइवर्ट भी हो गए, डिस्ट्रैक्ट भी हो गए आनंद। उसमें ऐसा हुआ था कि 8 ड्रॉज हुए थे उसी मैच में, ठीक है, 8 ड्रॉज हुए थे, लेकिन उसके बाद 9वां गेम आनंद ने जीत लिया था, ठीक है ना। बट फिर अगेन उसके बाद अगले 4 हार गए थे। तो गैरी कैस्परोव और विश्वनाथन आनंद की जो राइवलरी है ना, ये बड़ी लेजेंडरी रही है, लेकिन दोनों बहुत एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और गैरी कैस्परोव भले ही काफी स्लेजिंग करते हो, लेकिन वो बड़ी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट एक बार तो मैच हो रहा था विश्वनाथन आनंद का, और गैरी कैस्परोव आनंद को सपोर्ट करने आए थे। तो काफी ज्यादा ये देखिए, यहाँ पे आनंद भी बोलते हैं कि जब मैच चल रहा होता है तब तो राइवलरी चलती ही है और हर कोई कुछ ना कुछ करता है ताकि दूसरे का ध्यान भटके, लेकिन ऑफ द जब हम जब मैच खत्म हो गया होता है तो हम सब दोस्त हैं, हैंग आउट करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इन्होंने 2000 में बहुत बड़ा मौका आया जब इन्होंने फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। फिडे की जो चैंपियनशिप होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो 2000 में इन्होंने फिडे की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली और एलेक्सी शिरोव को इन्होंने हरा दिया। फिर इन्होंने एलेक्जेंडर खालिफमान को हराया और उसके बाद दोबारा फिडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ये कमाल का हो गया। और इनको $528,000 यानी कि $5.5 लाख कैश प्राइज मिला हो भैया। ये उस समय की बात है, ये अर्ली 2000 की बात है। तो देख रहे हैं ना कितना ज्यादा पैसा है चेस में, बहुत पैसा है चेस उन गेम्स में है जिसमें अतः पैसा है। फिर हम ये देखते हैं, पहले प्रतिद्वंदी तो इनके गैरी कैस्परोव थे, फिर क्रैमनिक, व्लादिमीर क्रैमनिक की बात करें दोस्तों तो ये भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे थे 2007 में। 2007 2000 से 2006 तक क्लासिक वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे थे ये, ठीक है ना। सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप व्लादिमीर क्रैमनिक ने जीती थी और इनके साथ भी जो मैचेस हुए विश्वनाथन आनंद के वो बड़े ही क्लोज हुए, लेकिन विश्वनाथन आनंद जो है वो इनको हराने में सफल रहे, ठीक है ना। तो ये चीज थी। 2007 में हम देखते हैं कि एक अलग एरा, इसको हम कहते हैं दी आनंद एरा, शुरू होता है जब 2007 से लेकर 2012 तक लगातार इन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती। 2007 में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई मेक्सिको में, वो इन्होंने जीता और नंबर वन प्लेयर बन गए, ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि 2008 में दोबारा हुई, फिर से जीता। 2009, 2010, 2011, 2012 लगातार 5 साल तक ये वर्ल्ड चैंपियन रहे, नंबर वन रहे और अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे, ठीक है ना। तो ये कमाल हो गया था, इनको कोई हिला भी नहीं पा रहा था। 2008 में जर्मनी में हुआ ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप, और यहां पे तो इन्होंने क्रैमनिक को हरा दिया। जैसा कि मैंने बताया ना कि वर्ल्ड चैंपियन खुद भी व्लादिमीर क्रैमनिक जो थे, ये खुद भी बहुत बड़े चेस खिलाड़ी रहे हैं, ये खुद भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे हैं। तो जब इस टाइटल को क्रैमनिक ने चुनौती दी तो आनंद ने इस टाइटल को आराम से डिफेंड किया और फिर से इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। उसके बाद 2012 तक यही चलता रहा, 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। लेकिन 2013 में जो मैच हुआ मैग्नस कार्लसन से, ये जो तमगा है ये छिन गया विश्वनाथन आनंद। बहुत समय से ये चैंपियन थे, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि एक और ऐसा खिलाड़ी, एक और ऐसा चेस प्लेयर आया जिसकी आनंद बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही तारीफ भी करते हैं, मैग्नस कार्लसन, जिसने
विश्वनाथन आनंद को हराया, और फाइनली ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप इतने सालों से आनंद डिफेंड करते आ रहे थे वो जीती मैग्नस कार्लसन ने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैग्नस कार्लसन कौन से देश से आते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज थी और बड़ा ही बढ़िया गेम हुआ था। पहले 4 गेम ड्रॉ हो गए थे। ड्रॉ आपको पता ही है दोस्तों, जब चेस में रिजल्ट नहीं निकलता राजा मरता नहीं, ये आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पांचवा और छठा गेम हुआ वो कार्लसन ने जीत लिया, फिर सातवां और आठवां गेम ये फिर ड्रॉ हो गए, नौवां गेम भी कार्लसन ने जीत लिया। और बाद में मैग्नस कार्लसन का अभी भी कहना है, क्योंकि अब तो विश्वनाथन आनंद की जो एज है 50 साल के हो गए, लेकिन अभी स्टेटमेंट आया था मैग्नस कार्लसन का कि इस समय भी आनंद जो है वो किसी को भी हरा सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। फिर यहां पे हम देखते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप भी जीती है। ये रैपिड चेस चैंपियनशिप में फास्ट चेस होता है, यहां पे आपको बहुत ही कम टाइम में अपनी चालें चलनी होती है, स्लो चेस नहीं होता, यहां पे आपको वक्त नहीं दिया जाता, फटाफट चेस खेलिए और जीतिए, ठीक है ना। तो 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 5 बार ये चेस चैंपियनशिप जो है ना जीत चुके हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है ना। मैंने शायद 2007, 2008, 2009 को भी जोड़ दिया था और 2011 को भी जोड़ दिया था, नहीं आई एम रियली सॉरी, ठीक है। लेकिन ये 5 साल जो था ना, 2007 से लेकर 2012, ये आनंद एरा था। यहां पे हम देखते हैं कि 2800 से ज्यादा इनकी रेटिंग चली गई थी। भैया ऐसा नहीं होता है, फिडे की रेटिंग होती है ना, प्लेयर्स को रेटिंग्स मिलती है, उसी कितने उन्होंने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, घटती बढ़ती रहती है, तो उसी बेसिस पे प्लेयर्स को रैंक दी जाती है। 2800 इनकी रेटिंग पार कर गई थी, आज तक ऐसा बहुत ही कम प्लेयर्स के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर हम ये देखते हैं कि जब इन्होंने ब्लिट्स, जब इन्होंने फास्ट चेस खेलना शुरू किया उसमें भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए, उसमें भी इनको ग्रेटेस्ट रैपिड प्लेयर का तमगा मिल गया। तो ये चीज है, और ये भी इन्होंने जीती, ठीक है ना। अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे थे, जिनको मतलब जिसको कोई हरा भी नहीं सकता 2007 से लेकर 2013 में। नंबर 1 खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड मिला इनको 1985 में, पद्मश्री मिला इनको जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1987 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला उनको 1991 में, जो सबसे बड़ा अवार्ड खेल के क्षेत्र में, राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। पद्म भूषण मिला, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्म विभूषण मिला, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। तो इससे बड़ा क्या है पद्म विभूषण के बाद? भारत रत्न। भारत रत्न बस इनको मिलना बाकी है। चेस एकेडमी भी चलाते हैं, ठीक है, और जो ओलंपिक की गोल्ड क्वेस्ट है उन खिलाड़ियों को लाना जो गोल्ड जीत के लाए, उसका भी विश्वनाथन आनंद हिस्सा है। और चेस एकेडमी भी इनका एक ही मोटिव है कि जितने ज्यादा हो सके यंग प्लेयर्स को लेके आना जो चेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो टैलेंटेड है, भारत के लिए नाम रोशन करें वो, और उनको सिखाना, ठीक है। तो ये है विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी। और अभी तो और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, देखना है हमको कि आगे इनकी लाइफ कैसी होती है और अब क्या इनके प्लान्स हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।